हे गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू अवर न्यू ब्लॉग। हेमन गिरीश ब्लॉग में आपका बहुत सारा स्वागत है। और ये मेरी हेयर कटिंग हो चुकी है, कल मैंने कराई थी। हेयर कटिंग तो कुछ नहीं है, बस स्प्लिटिंग्स काटे थे उन्होंने, क्योंकि बाल वैसे ऑलरेडी छोटे हैं तो थोड़े छोटे और हो गए। मैं सोच रही हूँ कि शादी के टाइम में और थोड़े से बढ़ जाएंगे तो ठीक है। देखो, पहले से मेरा स्कैल्प कम दिख रहा है ना, पहले बहुत ज़्यादा दिखता था। तो आप सब लोग क्या कर रहे हैं, आपकी सुबह की शुरुआत कैसी रही ये ज़रूर बताएं मुझे कमेंट में। और अभी मैंने चाय पी है और उसके बाद आज मम्मी और मुझे बहुत सारा काम है। हम लोगों को बाहर जाना है, मम्मी का एटीएम कार्ड है उसको जनरेट कराना है, और मम्मी को शॉपिंग करनी है अपनी, तो मम्मी को लेके जाएंगे हम शॉपिंग पे। तो व्लॉग में लास्ट तक बने रहिएगा गाइस, मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। हमारी खाने की तैयारी हो गई है, खाने में बना है मटर पुलाव। गर्मी में मटर पुलाव हम खाएंगे। आ लग गई, अरे यार, एक तो यहाँ इस अलमारी के खोड़ से। ओ भाई, यहाँ कितना गर्म हो रहा है कुकर रख के नीचे, यहाँ पे आ भी गई। दरवाजा खोला, दरवाजा लाइट आ गई, दरवाजा बंद किया तो लाइट चली गई। लाइट आई, क्या हुआ, ये पंखा तेज क्यों हुआ, नहीं आई। अच्छा, जैसा कट गई लाइट आ गई। तो दोस्तों लाइट चली गई है, यहाँ पर हम लोग खाना खौरे लिए हैं। बाल बहुत छोटे हो गए कटिंग करा के, पता नहीं कैसे बढ़ेंगे। तेल लगाना पड़ेगा, ऑयल वगैरह लगाना पड़ेगा, और बहुत रफ हो रहे हैं बाल। चलो बेड पे जाओ, अब सीधे जाओ बेड पे। बोलो कुकर खोलो, देखो तुम्हारा मटर पुलाव। चटनी कितनी खा रही हूँ देखना, भड़बड़ लगी है मुझे। वाह, मटर पुलाव, पानी तैयार है, ये है मटर पुलाव। तो आप लोग भी हमारे साथ मटर पुलाव खाने के लिए, और अब हम खा लेते हैं खाना, उसके बाद आपसे मिलेंगे खाना खाने के बाद। दोस्तों हम जा रहे हैं नजफगढ़, और ये है हमारे पड़ोसी। ये हमारे पड़ोसी है, अब वीडियो में अपने आप को भी देखना। ये हमारे पड़ोसी पड़ोसियों को हम खाना नहीं देते, हम ही खा लेते उनकी इस जगह। मम्मी पूरी लिस्ट बता रही, चप्पल भी लाने हैं, अस्तर भी लाने हैं। दोस्तों आज बहुत दिनों के बाद, अभी नहीं आया दोस्तों, बहुत दिनों के बाद हमने बस में सवार गया है। और देखो बस में फ्री टिकट के मजे भी लिए। मम्मी अब की बात, केजरीवाल। तो अभी हम लोग फर्नीचर मार्केट आ गए हैं, हमें उतरना है दिल्ली गेट। और शादी को 4 साल हो गए, तो 4 साल में मैं अब बस में बैठी हूँ 4 साल बाद। तो चलिए अब मार्केट में जाके मिलेंगे आपसे। तो वहाँ तो उतरे नहीं, मम्मी कहाँ उतर गए, उतर गए बताओ। हमें उतरना था इधर, इधर इधर सही दिल्ली गेट जाना था, यहीं पर उतर गए। पहले पता है यहाँ पर सिर्फ जंगल हुआ करता था, और अब अंदर ना हर जगह एसी लगा हुआ है। मच्छर की दवाई, और देखो नजरगढ़ में पेड़ पौधे बहुत मिलते हैं यहाँ पर, सारी यहाँ पर बीजों की दुकान है। और ये रहा RSTC अस्पताल, हेल्थ सेंटर था ये, अब इतना अच्छा अस्पताल बन गया है। मार्केट से आ गए थे, और मार्केट में जो भी हमने सामान लिया वो भी दिखाते हैं आप लोगों को। खैर मार्केट में हमने कुछ ज़्यादा सूट इसलिए नहीं किया, भाई इतनी भयंकर गर्मी हो रही थी ना वहाँ। मम्मी ने ली है अपने लिए, यहाँ पे रखे स्लीपर, और मैंने भी कुछ लिया है, वो मैं दिखाऊंगी आपको नेक्स्ट व्लॉग में, इसमें नहीं दिखाऊंगी। और मम्मी ने अपने ब्लाउज़ के अस्तर वगैरह लिए हैं, क्योंकि अस्तर नहीं थे मम्मी के पास। और उसके बाद मम्मी यहाँ पर, तो दोस्तों बैग हो चुके हैं पैक, और हम आज बन के जा रहे हैं जोकर मम्मी के घर से। ये कल बाजार से लेके आई थी मैं, बहुत कंफर्टेबल है पहन के, बहुत मजा आ रहा है। मात्र 250 रुपए का सेट है ये, कितने का है, 250 रुपए का, मात्र 250 रुपए का। और मम्मी कह रही है ऐसे पहन के जाने के लिए, ट्रेवल करने के लिए अच्छा है, बिल्कुल गर्मी नहीं लग रही इसमें, 250 रुपए में पैसे वसूल की, नो गर्मी एट ऑल। और अब हम, मैं और आज दुग्गा भी जा रहा है। अभी तुम्हें दुग्गा की याद आएगी, दुग्गा तो क्यों भेज रही हो फिर,
तू भी जा रही है, हम भी जा रहे, क्यों भेज रही है? अब कुछ बच्चे तो घूमने जाना है आपको, घूमने जाना है कुमा, जाना था गिलू के पास, नहीं जाओगी? गिलू मिच्ची मिच्ची दीदी कहाँ है? नक्शु कविता, कविता आ गई, कविता कहाँ है? कविता सबको भूल गई है। एक गुजारिश है अपना, धूप में कहीं भी बाहर बंद निकले जब तक भीषण गर्मी पड़ रही है, क्योंकि हाल ये हो जाने वाला है। देखो यहाँ भी जाम है और यहाँ भी जाम है, दोनों साइड जाम है, और भैया एसी नहीं चला रहे हैं भैया ने एसी नहीं चला रखा, गर्मी में मार रहे हैं हमें, कह रहे एसी नहीं चलाऊंगा मैं, ठीक है? तो अब हम भाई इतनी गर्मी हो रही है ना हद से ज्यादा, और जाम ने नजफगढ़ में जाम ने हाई तबाही मचा दी है, और डुग्गा की हालत देखो क्या होगी बेचारी की, कुत्ते की हालत होगी तो मालकिन की तो होगी होगी भाई। ये देखो भाई मैंने उसको थोड़ा पानी वानी से थोड़ा डाला है, थोड़ा गर्मी कम लगे। अच्छा चलो ठीक है, हो गया हो गया, तो गा बस मुँह बंद करो, गर्मी बहुत है भाई, मत बाहर निकलो, मत ट्रैवल करो, हो सके तो पहाड़ों पे जाओ, दिल्ली में मत घूमो, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है। मम्मी के घर से निकल के मतलब पहले गाड़ी आती थी घर तक, इतना जाम था कि अब मेन रोड पे आना पड़ा, मेन रोड से भी गाड़ी थोड़ी सी आगे आई और फिर से जाम लग गया। ये लगा यहाँ पर जाम, जाम कुछ नहीं है भैया, हमें किधर को सीधे ही तो जाना है, तो मुड़ूंगा। तो दोस्तों जैसे ही मम्मी के घर से हम अपने घर पहुंचे तो घर का नज़ारे कुछ ऐसे थे, इतनी धूल भरी आंधी और हल्की हल्की बारिश होने लगी। ये देखो कितना बुरा हाल है, बालकनी से दिखा रही हूँ आपको मैं ये व्यू, इतनी ज़्यादा तेज आंधी चल रही थी जिसकी कोई हद नहीं है, पेड़ पौधे सब ऐसे ही गिरे पड़े थे, आंधी से बहुत बुरा हाल हो गया था, बारिश भी बहुत तेज आ रही थी। तो ये हमारी सामने वाली दीदी, उनकी बालकनी से दिखा रही हूँ मैं, अभी थोड़ा मौसम क्लियर हो चुका है और बारिश हुई तो उसे थोड़ा राहत थी, पर फिर शाम को वही लाइट जाना, लाइट आने से भपका हो गया था, तो लाइट जाने की वजह से जो भी व्लॉग में शूट हो पाया वही आप देख पाओगे। तो अभी भी सिर्फ मौसम का मज़ा ले लो, देखो कितनी तेज़ बारिश हो रही है। तो गाइस हम लोग दुग्गा और मैं को आ चुके थे घर, और घर आया के हमने नहाया और हम दोनों सो गए थे थोड़ी देर, क्योंकि इतनी भीषण गर्मी थी पूरे कैब में, दुग्गा का मुंह ऐसा ही था जैसे अभी भी हो रखा है, इसको बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है, तो आप लोग मुझे सपोर्ट करो ताकि मैं एसी खरीद लूँ ऐसा तो बोल ही सकती हूँ ना। तो यहाँ कुछ सामान आया ब्लिंकिट से, चलो देखते हैं। सामान में हम रखी है ब्रेड, ये मैंने मंगाए हैं एग, और पफ राइस, नवरत्न मिक्सचर, डस्टबिन बैग, टमाटर, डुगा के फेवरेट, डुगा ये किसके हैं, ये क्या है? टमाटर डुगा के फेवरेट है, और एक मंगाया ये, ये ना बहुत सही पड़ता है, मतलब 86 रुपीस के पड़ते हैं, ये कितने हैं इसमें 6 पैकेट है, बस टेस्टी होती है नमकीन, आप भी मंगा सकते हैं ब्लिंकिट से, अलग अलग टेस्ट की नमकीन होती है इसमें। और एक मंगाया मैंने क्रैकर्स का, क्रंची पाइप्स, ठीक है। और बाकी हैं सब्जियाँ, सब्जी में है हरी मिर्ची होगी इसमें, और ठीक है शिमला मिर्ची, और है वही करी, ये भी है बैगन, ठीक है। और मैंने लगाई है बीन्स, और मैंने मंगाई हैं और क्या है इसमें, ओए ये भी बैगन, कितने बैगन आ गए, 3 बैगन, और लास्ट बट नॉट लीस्ट इट्स अ दही, दही 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 खाली हो गया और यहाँ सारा सामान फैल गया। ये है तोतू की मामा का छोटू, घर आ गया है वापस, मामा का छोटू घर वापस आ चुका है भाई। और कैसा लग रहा है दुगा अपने घर आके? गर्मी हो रही है आपको, आपको गर्मी हो रही है, गर्मी होती है माना को। तो मम्मी के घर से आ भी गए और खाना भी खा लिया, पर गुसाई जी भी आ गए, हाय बोलो कुछ दिखाई नहीं दे रहा ना क्योंकि लाइट नहीं है, यहाँ ये ड्रामा चल रहा है, लाइट आ रही है, लाइट जा रही है, लाइट आ रही है, लाइट जा रही है,
यही ड्रामा चल रहा है यहाँ पर। खाने में क्या बनाया था वो भी दिखा दे। बैंगन और छोले, बैंगन आधे समाप्त हो गए, छोले थोड़े से बचे हैं, और ये घुसाएंगे। भाई बोलो तुम, जरा टॉर्च बंद करो। कितने दिन बाद गुसाई जी दिखाई दे रहे हैं ना, बात करो थोड़ा दोस्तों से। एक महीने बाद कैसे, तुम बताओ। तुम कितने तारीख को गए थे? पता नहीं, 12 को। 12 को गए थे। हाँ, अब ये दूसरी बार आने वाली है ऑलमोस्ट। तो हाय बोलो ना, पैर क्या दिखा रहे हो दोस्तों को, हाय बोलो। गर्मी होती बहुत ज्यादा। कैसा बीत रहा तुम्हारा दिन? बहुत बिजी है। क्या ऑफिस में बहुत काम है? बहुत ज्यादा। इधर दिखाओ शकल, कमजोर तो नहीं लग रहे तुम। चल रहा है तो इसी चलने के साथ, क्योंकि सुबह इतनी गर्मी हो रही है ना, व्लॉग शूट क्या करें, समझ नहीं आ रहा। रास्ते में भी इतनी गर्मी थी, जब आ रही थी कैब में भी इसी काम नहीं कर रहा था। बिंदी देखो पसीने से कहाँ जा रही है। तो इसी चीज़ के साथ करते हैं व्लॉग की एंडिंग। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए व्लॉग को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले, बेल आइकन दबाना ना भूले। बाय बाय दोस्तों, और मेरी तरफ से तो बाय बाय हो गया, गुसाई जी भी बाय बोलेंगे आपको। बाय दोस्तों, गुड नाइट। और सब बाय खैर, और मुरब्बा खैर।